चुनाव चल रहा है और एक बार फिर बहस टुकड़े टुकड़े गैंग, पाकिस्तान, गद्दार इत्यादि शब्दों के इर्द गिर्द समट कर रह गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान की तारीख जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, चुनाव के मुद्दे बदलते जा रहे हैं। इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है शाहीन बाग की और उससे जुड़े रहने वाले सरजील इमाम की। बीजेपी सरजील और शाहीन बाग के बहाने आप और कांग्रेस पर हमले पर हमला कर रही है। ऐसा लग रहा है कि सरजील इमाम के चेहरे में बीजेपी को दूसरा कन्हैया कुमार मिल गया है। दरअसल सरजील के दो ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें वो देश विरोधी बातें करते नजर आ रहे हैं। सरजील का एक वीडियो जामिया में दिए गए भाषण का है जबकि दूसरा अलीगढ़ के भाषण का। सरजील ने अपने भाषण में नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग कर डालने जैसी साजिश रचने की बात की थी, इसी वजह से बीजेपी उसे कन्हैया कुमार की तरह इस्तेमाल कर रही है। अमित शाह तो यहाँ तक कह चुके हैं कि सरजील कन्हैया कुमार से भी ज्यादा खतरनाक बोलते हैं। एक हद तक देखें तो कन्हैया कुमार का एक वीडियो ऐसा था भी नहीं। फरवरी 2016 में उस विवाद में शुरुआत में जो आरोप कन्हैया पर लगाए और उसकी जांच के आगे बढ़ने के साथ साथ एक एक कर गलत साबित होते रहे। एक वीडियो जो सामने आया था जिसमें देश विरोधी बात करने का दावा किया गया था वो भी डुप्लीकेट निकला, यानी कि डॉक्टर। लेकिन सरजील के मामले में बात उल्टी है, यहाँ उसने खुद देश को तोड़ने की बात की है। इसी वजह से जेएनयू से पीएचडी कर रहे सरजील इमाम पर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, असम, बिहार, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके साथ ही सभी छह राज्यों की पुलिस पिछले कई दिनों से उसकी तलाश कर रही, अंत में वो पकड़ा जा चुके हैं और उस पर कार्यवाही हो रही है। अब इन सभी को देखते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसे अब चुनावी रूप में ढालती हुई देखी जा रही है और कहीं ना कहीं सरजील इमाम को भारतीय जनता पार्टी चुनावी मुद्दा बनाते हुए कहीं ना कहीं वोट पाने की राजनीति कर रही है। SPN9 न्यूज रूम से नाजमिन की रिपोर्ट।